फिर अपन उस हिसाब से प्लानिंग करें। तनेजा का गाइस देखो, चलो तनेजा वाला सीन बताता हूँ, और फिर तनेजा वाला सीन बताता हूँ और टीवी लेट का सीन बता दो, ठीक है? सुनो। हाँ, तनेजा भाई का गाइस देखो, तनेजा भाई जो है, मैं किस टीम में जा रहा हूँ ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? मैं किस टीम में खेल रहा हूँ ये मैं लास्ट में बताऊंगा। और मेरे पास अभी तीन टीम है, एक ओजी, एक INT और एक जो मैं पर्सनली बना रहा हूँ, जो भी एक्सपीरियंस। तो तनेजा का तो पक्का है कि वो है उधर। तनेजा ओजी में खेलेगा, फिफ्थ प्लेयर शायद, शायद नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 100% है FFIC में फिफ्थ प्लेयर तनेजा खेलेगा। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? तो तनेजा जो है बैक, जैसे एक बार इंद्रो भाई ने वीडियो नहीं बनाया था, घर वापसी की तैयारी कर लो स्टोनर, क्या तू तैयार है? जैसे वो मॉल में वीडियो नहीं बनाया था, जैसे तो तनेजा वापिस आ गया है। देखो, जब तनेजा गया था तब भी मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, जब तनेजा आया तब भी मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। तो तनेजा का क्या है क्या नहीं है मेरे को कुछ भी नहीं पता है। तो कल को अगर तनेजा बाहर जाता है वापिस, या तनेजा वापिस आता है इलीट में, तो इसका मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? और क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बोला था इलीट को टाइम दिया है, इलीट कर करके दिखाएगी तो अपन वापिस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन तनेजा अभी इलीट में वापिस आ गया, ये 100% श्योर है। गुड। तो उसने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, उसने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है इलीट की तरफ से, और FFIC में अगर क्वालिफाई होते हैं तो तनेजा खेलेगा। और रोल मुझे अभी नहीं उसका पता है, मेरे ख्याल से तो नेडिंग ही करेगा, मेरे ख्याल से तो नेडिंग ही करेगा, और आइकॉनिक या RDP या किलर में से रश करेगा। और मुझे अभी पैटर्न भी नहीं पता है,